हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं एकदम ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम लोग के पास आ गया है अपने रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड के लिए या कोई भी रॉयल एनफील्ड के गाड़ी के लिए एक बेहतरीन चीज। तो आगे बढ़ने के पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बहुत मैंडेटरी है आप सभी बंधुओं के लिए जिसके पास रॉयल एनफील्ड का गाड़ी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दिवमित और आप देख रहे हैं मोटोटेक व्लॉग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये सभी रॉयल एनफील्ड या जिसका चेन कवर नहीं रहता जिस बाइक में उन लोग के लिए काफी यूजफुल है। दोस्तों बाजार में बहुत सारे चेन ल्यूब होते हैं, चेन क्लियरर होते हैं, जैसे मोट्यूल पकड़ लीजिए, 3M पकड़ लीजिए, ये सब का रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन काम जो ये सब करते हैं वो ये भी करेगा। तो चलिए आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये अमेजोन की तरफ से मेरे को भेजा गया है जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ये अमेजोन से मेरे को भेजा गया है और ये प्रोडक्ट मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ क्या है, उसके बाद मैं बाइक में भी इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या पार्ट है। तो चलिए देख लेते हैं अंदर क्या है। तो सबसे पहले तो ये नाइफ है अपना और इसको ओपन करते हैं यहां से और यहां से ये कट हो गया, यहां से ये फिर कट हो जाएगा। अगर ये कट हो चुका है उसके बाद इसको हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये आपके सामने है कंगारू का चेन क्लीनर और चेन ल्यूब। ये एक एक है 500 ml का चेन क्लीनर भी है, चेन ल्यूब भी है और ये बहुत सस्ता में है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रेट है 750 रूपए यहाँ पे लिखा, लेकिन विश्वास नहीं कीजिएगा, ये 500 और ये 500 टोटल 1000 ml का रेट है, करीबन 499, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं। मार्केट में आपके पास बहुत तरीके का प्रोडक्ट मिलता है चेन ल्यूब चेन क्लीनर का। मान लीजिए सबसे बेहतर प्रोडक्ट है मोट्यूल, मोट्यूल का सिर्फ चेन ल्यूब यदि आप 500 ml का नहीं 400 ml का भी खरीदते हैं तो उसका प्राइस पड़ता है करीबन 550 के ऊपर ही पड़ता है, 550 के ऊपर ही पड़ता है। लेकिन इस बजट में आपको 500 रूपए के अंदर में चेन ल्यूब और चेन क्लीनर दोनों ही आप लोगों को मिल जाएगा और वो भी कंगारू वाले कंपनी की तरफ से। तो चलिए अब बाइक की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कैसे इसको साफ करना है, कैसे इसका प्रोसेस है, पूरा सब कुछ देख लेते हैं और आप भी समझ लीजिए कि इसका लेना फायदा है या नुकसान है। तो चलिए बाइक की तरफ चलते हैं अपना रॉयल एनफील्ड की तरफ और आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने बाइक की तरफ और ये मेरा हाथ में है कंगारू का चेन क्लीनर और ये चेन ल्यूब 500 ml का एक एक पैक है और ये रहा अपना बुलेट जो कि आप देख रहे हैं। चलिए इसका चेन ल्यूब करते हैं। चेन का हालत पहले देख ले, काफी ज्यादा गंदगी है हर जगह। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके क्लीन लगाएंगे, उसके बाद ये जो ब्रश है इससे हम लोग साफ कर लेंगे पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नंबर गियर डाल के।
कंटेनर लगा चुके हैं हर जगह, ऊपर से भी नीचे से भी। अब इसको साफ़ करने का बारी है, तो इसे साफ़ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग चेन ल्यूप भी कर देंगे। इसको साफ़ करने, यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी है, अभी इसको साफ़ करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कितनी गंदगी आ चुकी है, तो इसको मैं एक बार ब्रश को धो लेता हूं, उसके बाद फिर से मैं इसको थोड़ा क्लीन करूंगा स्प्रे डाल के, तो पूरा गंदगी निकल जाएगा। और देखिए पहले से बहुत ज़्यादा साफ हो चुका है। तो पहले से बहुत ज़्यादा साफ हो चुका है, तो इसको मैं थोड़ा धो लेता हूँ, उसके बाद फिर से चेन को क्लीन करेंगे। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी गंदगी निकल चुकी है चेन की जितनी थी। अब इसको बढ़िया से एक बार पानी से धोने के बाद उसको सुखाते हैं, उसके बाद इसमें चेन क्लीनर भी लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए धोने के बाद एकदम चेन साफ हो गया, जो कि आप देख रहे हैं। अब इसको थोड़ा देर सुखाना पड़ेगा, सुखाने के बाद करीबन एक डेढ़ घंटे बाद हम लोग चेन ल्यूप कर देंगे फटाफट, नहीं तो इसमें भीगे में चेन ल्यूप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, सब पानी के साथ बह जाएगा। तो इसको सूखने देते हैं, उसके बाद चेन ल्यूप जब करेंगे मिलेंगे आपके साथ। तो चलिए अब गाड़ी को चेन को ल्यूप करते हैं, लेकिन ल्यूप करने के समय आप गाड़ी को स्टार्ट मत कीजिएगा, और धीरे 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 ऐसे हाथ से घुमा घुमा के ल्यूप कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका दिक्कत आ सकता है और ठीक से ल्यूब लगेगा भी नहीं। तो इसको बढ़िया से आप पहले हिला दीजिए, और ये है देखिए चेन ल्यूब लिखा हुआ है, इससे आप दीजिएगा चेन क्लीनर से, फिर ल्यूब मत कर दीजिएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फटाफट आप इसमें लगाते हैं स्ट्रॉ, तो चलिए ये ऊपर के साइड में तो ल्यूब हो गया, अब अंदर के साइड में भी हम लोग को ल्यूब लगाना है। इसके बाद स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब आपको क्लॉकवाइज भी घुमाना है, जिससे दोनों उस पॉकेट में ल्यूब लग जाए और चेन एकदम ठीक तक स्मूथ हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग का चेन ल्यूब पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप पहले का फोटो देख सकते हैं, ये है पहले का फोटो, और ये है अभी का फोटो। देखिए चेन पूरा करीबन ल्यूब हो चुका है, कोई आवाज नहीं चेन में। और हाँ दोस्तों, मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ, चेन ल्यूब करने के बाद आप करीबन दो घंटे तक बाइक ना चलाएं। चेन ल्यूब होने के बाद आप चुपचाप गाड़ी को ऐसे सेटल होकर रख दीजिए, तो ऐसे हिला लीजिए थोड़ा, जिससे चेन टू एंड फ्रो हो जाए, और एक बार ऐसे भी घुमा लीजिए। घुमाने के बाद आप इसको छुइए मत, गाड़ी को चलाइए मत, करीबन डेढ़ दो घंटा वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद जब आप गाड़ी स्टार्ट करने जाएं, उससे पहले कपड़े से, सूखा कॉटन के कपड़े से पोंछ ले चेन, नहीं तो क्या होगा, चेन से यहाँ से छींटा लगते हुए रिम में पूरा गंदा कर देगा। अभी जो रिम साफ देख रहे हैं, बाद में ये पूरा गंदा हो जाएगा चेन ल्यूब छींट छींट के। तो एक सूखा कपड़े से इसको साफ कर लीजिएगा, उसके बाद ही गाड़ी को स्टार्ट कीजिएगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ, चैनल में ऐसे ही बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।